सो व्हाट्स अप एवरीवन गाइस, दिस इज फ्रॉम चैनल टेक्नोहॉलिक बाइकर। और जो ये वीडियो है, ये वीडियो की बहुत टाइम से आप लोग भी वेट थे, मेरे को बनाने की वेट थी, और मेरी काफ़ी सारी वीडियोस चल रही थी ऑलरेडी, जो दुबई के ब्लॉग्स की थी और मेरा बाकी कंटेंट था। तो आज मैं वीडियो फाइनली शूट कर रहा हूँ। मैं टाइटल अगर देख लिया होगा किस बारे में है, तो ऑब्वियसली टाइटल देखने को पता लग गया होगा, ये वीडियो है हाउ टू गेट यूवी कट ग्लासेस ऑन एनी मॉडल ऑफ बलेनो। वैसे जो यूवी कट अभी आते हैं सिर्फ अल्फा मॉडल में आते हैं बलेनो में, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको यूवी कट ग्लासेस बेसिकली किसी भी बलेनो के मॉडल में, डेल्टा हो, सिग्मा हो, जेटा हो, कुछ भी हो, या कोई भी और गाड़ी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, आपको उसमें यूवी कट ग्लासेस कैसे मिलेंगे, तो आपको इस वीडियो को समझाऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो इंट्रो के बाद। तो गाइस, बहुत टाइम से डिमांड आती है, लोग कहते हैं कि हम अपनी सेटा मॉडल में या डेल्टा मॉडल में या सिग्मा मॉडल में बेसिकली सन रेज से बचने के लिए यूवी कट ग्लासेस कैसे लगाएं। तो यूवी ग्लासेस बेसिकली करते हैं आपकी जितनी भी सन रेज होती है सीधा ब्लॉक मारते हैं आपके ऊपर पड़ने से, तो उससे आपको हीट गाड़ी में कम फील होगी, आपको हार्म कम करेंगी जितनी भी सन की रेज होंगी। आजकल आपको पता है दिल्ली में कितनी धूप हो रही है, इवन तो दो तीन दिन से मौसम बेटर हो गया है, बट स्टिल आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जून, मिड जून में, तो धूप बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, तो आप लोगों को पता है कि सब लोग परेशान है धूप से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि यार बहुत बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई कैसे हम अपनी गाड़ी को यूवी कट ग्लासेस देंगे और कैसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें हीट की। तो आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम हो गया, कि सॉल्व बहुत इजीली, चीपली, सस्ते में हो जाएगी, और बहुत आसान काम है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करना प्रॉब्लम सॉल्व। तो भाई ये जो भी हमारी गाड़ी में ये लगे हुए विंडो शेड्स, तो इनको हम बोलते हैं विंडो शेड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पार्टीशन है। तो एक बार आपको गाड़ी खोल के दिखा देता हूँ। तो विंडो शेड्स बेसिकली ये चीज़ होती है आपकी गाड़ी में जो हम लगा लेते हैं, और इससे बहुत बहुत ज़्यादा हीट कट होती है, अगर आपको ना बताओ। तो ये चीज़ है विंडो शेड्स, अब एक बार इसके बिना देखो, तो इससे बहुत ज़्यादा हीट कट होती है। लेकिन इसका जो दिक्कत ये है कि हाँ, बहुत 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 लोग बोलते हैं कि भाई आपको पुलिस पकड़ सकती है, पुलिस आपको रोक सकती है, पुलिस आपको इसके बारे में बोल सकती है, भाई पूछताछ हो सकती है, इसका फाइन काट सकती है। तो देखो, वैसे तो ये ऐसा दिक्कत आती नहीं होगी, धूप बहुत है और विंडो शेड से आपको विजिबिलिटी प्रॉपर ब्लॉक नहीं होती। एक होता है फिल्मिंग कराना जिससे आपकी पूरी गाड़ी काली हो जाती है, और एक होते हैं विंडो शेड्स बेसिकली। अब ये कुछ लोग कहेंगे भाई इलीगल है, तो काइंड ऑफ इलीगल है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आती। बाकी यही बात है कि ये चीज़ आप लगवा सकते हो, बहुत काम की चीज़ है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मेरी जब जेटा मॉडल नहीं आई थी, मैंने इसके बिना गाड़ी चलाई थी, बहुत डिफरेंस पड़ता है जब आप इसके बिना चलाओ और इसके साथ चलाओ, बहुत हीट इकट करता है। तो बेसिकली यूवी कट ग्लासेस इसलिए काम आता है क्योंकि कंपनियां भी देती है लगे लगाए, और कंपनियां भी देगी तो ऑब्वियसली हमें बोल नहीं पाएगा उसके लिए कि वो इलीगल चीज़ें जो उसे कंपनी लगा के दे रही है। तो आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे कराना है अपने बेसिकली यूवी कट ग्लासेस अपने किसी भी गाड़ी के मॉडल में बिना विंडो शीट्स के, ताकि आपको कोई लीगल की दिक्कत भी ना आए, आपको कोई दिक्कत भी ना आए, आपको पुलिस वाली दिक्कत भी ना आए, और आपको हीट से भी सीधा बचने का सलूशन मिल जाए। तो बस अब मैं आपको दिखा दूँ सोल्यूशन की कैसे आपका काम हो जाएगा बिना आपके विंडो शीट्स आए। तो अभी मेरी गाड़ी को बैक देखो, तो आपको बैक देखो, मैं गाड़ी की दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब मेरी गाड़ी की बैक देखो, अगर आपको इसमें ग्रीन शेड थोड़ा नहीं नोटिस आ रहा तो मे बी कैमरा की प्रॉब्लम हो, और मेरे को रियल लाइफ में आ रहा है। आप ध्यान से एक बार नोटिस करो, यहाँ पे वो ग्रीन सा शेड मिलेगा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली ग्रीन शेड क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ग्रीन सा शेड है, और जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने यूवी कट ग्लासेस देखे हैं सेटा मॉडल में या अल्फा मॉडल में, पहले सेटा में भी आते थे, अब नहीं आते, तो उन लोगों को पता होगा कि यूवी कट ग्लासेस की जो शेड होती है वो ग्रीन कलर की होती है और वो ब्लैक कलर की नहीं होती। तो आपको अगर नहीं दिख रहा मेरी गाड़ी में, आपको अब दिख रहा होगा ग्रीन शेड दिख रही होगी, तो यहाँ पर ग्रीन शेड नोटिस करो। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एक बार आप देखना, अंदर से भी गाड़ी देख लो, तो ये आपकी बेसिकली यहाँ पे एक टेप लगी हुई है, एक फिल्म लगी हुई है, तो ये जो है यूवी फिल्म है, इसको हम यूवी फिल्म बोलते हैं, और ये मार्केट में अभी बहुत कम आई है, आपको मैं अभी बता दूंगा क्या इसका हिसाब है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी मैंने टेप लगा रखी है, आप देख सकते हो ये फिल्म लगी हुई है, इसका आप एंड देख सकते हो यहाँ पे पूरा, और ये यहाँ तक जा रही है। तो वैसे जो नॉर्मल होता है बलेनो का बैक, वो प्रॉपर आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा। अभी आप देख सकते हो प्रॉपर अंदर पूरी विजिबिलिटी है, पूरी की पूरी विजिबिलिटी अंदर आ रही है, ऐसे कुछ भी नहीं है कि विजिबिलिटी कम हो गई है। आप देख सकते हो अंदर मेरी बॉटल तक पड़ी हुई दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो विजिबिलिटी के मामले में पूरी विजिबिलिटी है, कुछ लीगल का इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, कोई कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ लगा रखा, पूरी विजिबिलिटी है, ऐसे ओरिजिनल यूवी कट ग्लासेस लगे हुए आते हैं। जो सिर्फ सोल्यूशन है आपका विंडो शेड्स के बिना अपनी गाड़ी को यूवी कट वो करने के लिए, आपकी गाड़ी को अपने यूवी प्रूफ बनाने के लिए, सनरेज से बचाने के लिए, हीट कम करने के लिए, यही है। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये चीज़ क्या है। तो ये जो है बेसिकली ये यूवी कट फिल्म है, तो आज के लिए मार्केट में नहीं आई, आपको बहुत कम जगह मिलेगी, एक न्यू प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्च है। तो मेरे मॉडलों ने बहुत जान पहचाना है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर मॉडिफायर में जानता हूँ, तो सारे काम मेरी गाड़ी का वहीं से होता है, जितना शार्क फेन, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ लगा हुआ है सारा वहीं से, एलईडी लाइट्स वगैरह। अगर आपने वीडियो नहीं की तो उनकी भी देख लो, सारी वीडियो पोस्टेड है, आपको मिल जाएगी सारी मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर, हेडलाइट्स वाइट एलईडी की, मेरे शार्क फिन की, जितना भी अपने वीडियो में काम करा रखा है म्यूजिक सिस्टम की, सब कुछ आपको वीडियो में चैनल में मिल जाएगी। और कंटेंट पसंद है सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले करो, सारे अपडेट्स पहले इंस्टाग्राम पे आते हैं। आज मैं दिखा दूंगा कि मैं वीडियो कॉल डालने वाला हूँ, तो सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पे आते हैं। तो ये जो मैं चीज़ बता रहा था बेसिकली एक यूवी कट फिल्म है, अभी मार्केट में ये बहुत बहुत कम अवेलेबल है, सबके पास अभी ये नहीं आई है। और इसकी जो यूएसपी है वो बेसिकली यही है कि आपकी गाड़ी को ये सीधा और सीधा डायरेक्ट यूवी कट ग्लासेस दे देती है,
जो ओरिजिनल कंपनी से लगे हुए आते हैं और ये जानी सी नाम से लाते हैं जो कंपनी चीज़ देती है। तो जितना भी आपको लोग शायद बेचेंगे आपको ये बोल के बेचेंगे कि भाई कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, जो चीज़ आपको कंपनी देती है आपको वही सेम चीज़ मिलेगी, आपको विजिबिलिटी में कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको लीगल कोई भी इशू नहीं होगा। कोई आपको पुलिस वाला रोके तो आप उसको बोल दो भाई कि पूरी विजिबिलिटी दिख रही है, जिसमें पूरी विजिबिलिटी दिखती है आपको रेस्टोरेंट दिखाया। और इस चीज़ की स्पेशलिटी है कि आपको बिना किसी लीगल इशू के, बिना किसी आपको ज़्यादा पैसे लगाए, बिना आपको अल्फा मॉडल लिए आपको सीधा यूवी कट मिल जाएगा ग्लासेस, आपको इस सनरेज से बचाएगा और आपको साथ ही साथ ये कोई लीगल इशू भी नहीं देगा और आपको यूवी रेज से भी बचाएगा। तो ये चीज़ जो है मैं एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ, ये काम मैंने गाड़ी में एक महीने पहले कराया था, तो मैंने अपने सिस्टम लगाया था म्यूजिक सिस्टम, तो मैंने म्यूजिक सिस्टम के साथ ही काम कराया था, तो एक महीने उस बात को कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं कि एक दो दिन बाद में रिव्यू दे रहा हूँ, एक महीने के बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ और गाड़ी को मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने खुद डिफरेंस फील किया है। अगर बिना फिल्म के आप किसी की गाड़ी के विंडशील्ड के हाथ रखो तो आपको पता चलेगा कितनी हीट आती है और इससे कितनी हीट ड्रॉप होती है। तो इस चीज़ की वजह से आपको बिना किसी लीगल इशू के आपको सस्ते में मिलेंगे यूवी कट ग्लासेस। हम आपको बताते हैं इसकी कॉस्ट। तो गाइस इस चीज़ की जो कॉस्टिंग है बेसिकली बात यह है कि मैंने अपनी गाड़ी में साइड में लगा रखे हैं पूरे विंडो कर्टेंस, आपको जैसा मैंने दिखाया था यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो शेड्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो शेड्स अंदर लगे हुए हैं। तो मैंने अपनी साइड में गाड़ी में लगा रखी है विंडो शेड, आप देख सकते हो, तो मेरे को साइड में लगाने की जरूरत नहीं थी, ये जो यूवी कट की फिल्म है तो इसलिए मैंने अपनी साइड में नहीं लगवाई। मैंने काम सिर्फ कराया बैक में, होगी बैक में टेंट वगैरह नहीं कराना था क्योंकि उससे लीगल इशूज़ भी, और टेंट ऑब्वियसली लीगल चीज़ होनी भी चाहिए, होगी कुछ भी फिर उससे हो सकता है गाड़ी के अंदर, जो कि कोई भी किसी को भी कुछ भी कर सकता है, तो वो ठीक है कि एक तरह से लीगल चीज़ है। तो यहाँ और इंडिया का थोड़ा हाल ऐसा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर विजिबिलिटी भी पूरी है। और आपको मैं बता देता हूँ इस चीज़ की कॉस्ट, तो इस चीज़ की कॉस्टिंग है जो यूवी कट ग्लासेस है, जो यूवी कट फिल्म मैंने लगाई है इसको यूवी कट ग्लास बनाने के लिए, सिर्फ बैक बैक की जो कॉस्टिंग आई थी वो 400-500 रुपये आई थी। और अगर हम साइडों की बात करें पूरी गाड़ी की, मैंने बात करी संदीप से, संदीप ने मेरा एक काम किया था, आपको मैं उसकी डिटेल भी दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप कराओगे पूरे साइडों में, ये शीशा उस साइड के दोनों शीशे और पीछे का शीशा, आगे के बिना जो आगे की विंडशील्ड है वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे जरूरत भी नहीं होती ज़्यादा, तो पीछे का शीशा जो विंडशील्ड है पीछे की और साइड के चार शीशे हैं उनको मिला के अगर आपको जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ पड़ेगी 1400-1500 रुपये। और ये बात मैंने खुद संदीप से पूछी थी, क्योंकि संदीप ने मेरा सारा काम किया था। फुल विजिबिलिटी इसमें आ रही है अंदर की, आपको भी दिखा दूंगा अभी सर लगने के बाद। तो काम शुरू हो गया है और यहाँ पे इनका काम है, ये फिल्मिंग वगैरह काम है सर, इनका कार टेपिंग, कार फिल्म, कार एसी, शार्क फिल्म के साथ आज मैं काम करा रहा हूँ, तो सबको भी दिखा दूँ, छोटा मोटा काम कराना हो फिल्मिंग में करा सकते हो आप। संदीप भाई यहाँ पे हैं और अरविंद, और संदीप और अरविंद, और इनकी ये दुकान है कार एसी, यहाँ पे आप कर सकते हो काम। क्या काम होता है भाई? फिल्म वगैरह टेपिंग, ये बम्पर जो काम नहीं होते हमसे हमें पता हो, जो काम नहीं होता हमें पता हो। तो ये सारा फिल्म वगैरह इसने कर दिया अभी हमारे भाई ने स्टार्ट, और यहाँ पे अभी ये काम हो रहा है, आपके को होने के बाद दिखा दूंगा पूरा। तो वैसे पीछे का काम हो गया हमारा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो सब कुछ दिख रहा है पूरा आराम से, अंदर का भी सारा कुछ दिख रहा है। तो सिर्फ पीछे का रहोगे तो 400-500 पड़ेगी कुछ, अगर साइडों का भी रहोगे तो 1400-1500 पड़ेगी। तो बहुत इफेक्टिव है, चीप है, कॉस्ट एफिशिएंट है और कोई महंगी भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। टोटली थम्स अप है मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए। तो अब करते इस वीडियो को एंड, आपको सारी डिटेल दे दी, कॉस्ट बता दी, इसकी यूएसपी बता दी, कैसे इंस्टॉल हुआ फिल्म, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको खोलेंगे आपके अंदर फिल्म इंस्टॉल कर देंगे, सारे काम उनका है। अब मैं आपको बता दूँ आपको लगवाना कहाँ से। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो आपको मॉल टाउन का मेरा पता है, मेरी गाड़ी का सारे काम मॉल टाउन से होता है, तो यश भाई की दुकान पर था मॉल टाउन में, वहाँ संदीप एक फिल्म वाले जो फिल्म वगैरह काम करते हैं टेपिंग वगैरह का, तो वो मेरे पास आया, उसने मेरे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा कि भाई इसको बेचा ऐसे जाता है कि सेम कंपनी वाली चीज़, तो उसमें होगा सेम कंपनी वाली यूवी कट उसको चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल इंटरेस्ट तो मेरे को है, तो मैंने देखी चीज़, मैंने खुद लगवाई, यूज़ की, बहुत पसंद है, इसलिए आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। तो संदीप भाई है हमारा एक मॉल टाउन मार्केट में, मॉल टाउन 2 में, तो वहाँ आपको उसकी दुकान मिल जाएगी कार एंड एसी फिल्म के नाम से, उसका नंबर जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में संदीप का नंबर मिलेगा। मॉल टाउन 2 की मार्केट में जाओ, आपको एड्रेस उसकी दुकान में मिल जाएगा, नंबर उसका मिल जाएगा, संदीप नाम है उस बंदे का, में जाओ उसकी दुकान, उसको फ़ोन कर लो, उसकी दुकान पर जाओ, उसको बोलो भाई कि मेरे को यूवी कट वाली फिल्म चाहिए, उसको मेरी शक्ल दिखाओ, उसको मेरा नाम बताओ, तो आपको ऊपर से डिस्काउंट भी ऊपर से देगा और सर्विस भी अच्छी देगा। उसको बोलना मेरे थ्रू आए हो तो आपको डिस्काउंट और सर्विस अच्छे से मिलेगी। और उसको बोलना सेम चीज़ जो आपने मेरी गाड़ी में लगाई थी टेक्नोहॉलिक बाइकर की, उसको मेरी वीडियो दिखा देना, उसको मेरी शक्ल दिखा देना, तो वो समझ जाएगा उसने क्या लगाया, और उसको बोल देना यूवी कट में वो लगवाने हैं। तो दिल्ली में रहते हो आप ऐसे करा लेना काम, बाकी अगर आप बाहर रहते हो तो आपको अपने वहाँ देखनी पड़ेगी आपको कहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि शिपिंग वगैरह फिल्म कराने का तो पता नहीं कैसे होता, बाकी आपको अपने वहाँ देखनी पड़ेगी। दिल्ली में रहते हो तो आप मॉल टाउन से लगवा सकते हो। तो करते हैं वीडियो यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो बहुत बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में, जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेट करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे आकर बटन है घंटा दबा देना सब्सक्राइब के बाद, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो आती रहे, और घंटे में जरूर से ऑल का बटन दबाना, पर्सनलाइज मत दबाना, नन मत दबाना, आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल रही है और एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं होगी। एक काम जरूरी और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, सारे मेरे अपडेट्स इंस्टाग्राम पर पहले आ जाते हैं, मेरे इंस्टाग्राम फैमिली से कुछ पहले से अपडेटेड रहती है, बिना मेरी यूट्यूब फैमिली से पहले होगी, यूट्यूब पर हर चीज़ ज़्यादा मुश्किल रहता है, इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, आईडी नीचे लिखा रही है टेक्नोहॉलिक बाइकर अंडरस्कोर क्षितिज मेहता, फॉलो जरूर से कर लेना। और इस बार आपको बता दूँ कपड़े जो मैंने पहने हैं, गुच्ची की शर्ट और जितना भी मेरा सब कुछ है सारा मेरा
खुद का ही है, काफ़ी लोग पूछते हैं कपड़े का, जो तो मेरा खुद काम है सारा कॉपीज वगैरह का, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी वाला सारे ब्रांड्स मिलते हैं। नीचे आईडी भी रजिस्टर की कॉपी की बिजनेस की भी लिखी आ रही है ट्रेंडिंग मार्ट डेली, तो आपको कुछ देखना हो तो वहाँ पर भी देख लेना। तो करते हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर उनसे फॉलो कर लेना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और बहुत अमेजिंग कंटेंट आएगा बाइक्स पे, कार्स पे, टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉगिंग पे, सबके लिए बने रहना। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।